प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद कमर में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है। आप देखेंगे कि 10 में से कम 9 औरतों को ये दिक्कत जरूर रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनको ऑपरेशन के टाइम में एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है, उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या एनेस्थीसिया की वजह से दर्द होता है, अगर एनेस्थीसिया की वजह से दर्द होता है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो या उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, और इसके अलावा और क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन हम ले सकते हैं जिससे ये कमर दर्द हमारा पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं बेसिक कारणों की और उसके बाद बात करेंगे एनेस्थीसिया के बारे में। तो देखिए, जो डिलीवरी के बाद में कमर दर्द होता है उसका एक सबसे बड़ा और बेसिक जो कारण होता है वो होता है प्रेगनेंसी के टाइम में जो हमारा बेबी का वेट होता है वो पूरा हमारे पेट पे आगे की तरफ होता है, जिससे हमारी कमर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। प्रेगनेंसी के टाइम में हमारे यूट्रस का साइज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा खिंचती है, चाहे वो हमारे पेट की मसल्स हो या फिर हमारे कमर की मसल्स हो। मसल्स पे जो ये खिंचाव आता है, जनरली इसकी वजह से हमें कमर का दर्द रहता है। ये कमर दर्द जितना हमें प्रेगनेंसी के टाइम में फील होता है उससे भी ज्यादा ये डिलीवरी के बाद महसूस होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो मसल्स हैं वो एकदम से उनमें जो खिंचाव तुरंत कम हो जाता है, तो ये जो अचानक से बदलाव आता है इसकी वजह से कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा इसका कारण होता है कि अक्सर क्या होता है, डिलीवरी के बाद जो हमारा खान पीन होता है बहुत ही हाई कैलोरीज वाला होता है, जिससे हमारा वजन बढ़ जाता है और वजन बढ़ने की वजह से भी कमर दर्द की समस्या आपको हो सकती है। अगर आपका जो कमर का दर्द है वो डिलीवरी के बाद अगर कुछ ही दिन हुए हैं ये दर्द है, तो इसमें ज़्यादा घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दर्द आपका लगातार डिलीवरी के बाद से बना हुआ है, डिलीवरी हुए काफ़ी टाइम हो गया, सपोज कि 6 महीने या साल भर हो गया, फिर भी कमर में दर्द है और दर्द काफ़ी ज़्यादा है, तो एक बार आप अपना कैल्शियम और विटामिन D3 का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम में और फिर डिलीवरी के बाद जब बेबी को हम फीड कराते हैं तो उसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी अक्सर औरतों में हो जाती है। तो एक बार अपना कैल्शियम का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, अपनी बोन डेंसिटी आप टेस्ट करा लीजिए। कई बार ये भी कारण होते हैं हमारे कमर दर्द होने का। अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आपको शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द हो सकता है। चौथा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे बड़ा कारण जो होता है कमर दर्द का, जो कि 10 में से 9 औरतों को कमर दर्द अगर है तो 7 का जो कारण होता है वो होता है रॉन्ग पॉस्चर। गलत पॉस्चर में बैठना, गलत पॉस्चर में सोना, गलत पॉस्चर में खड़े होना। देखिए, जब हम बेबी को फीड कराते हैं तो हम इस तरीके से आगे की तरफ कई बार झुक के फीड कराते हैं। ज़्यादा देर तक कमर का पॉस्चर गलत रहता है, बहुत ज़्यादा देर तक हम आगे झुके रहते हैं, या बेबी को जैसे हम जब गोद में लेते हैं तब हमारी कमर ऐसे आगे की तरफ मुड़ जाती है, जिससे हमारा जो बॉडी का पॉस्चर है वो खराब होता है और कमर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और इस वजह से कमर दर्द होता है। यही सेम चीज़ें जो बैठने के टाइम पे हो रही हैं, ये सब चीज़ें लेटने के टाइम पे भी होती है। कई बार कुछ महिलाएं लेट के फीड कराती हैं, गलत तरीके से सोती हैं, या बच्चे की साइड में ही ज़्यादा अपने फेस को करके सोती हैं और पूरी रात एक ही तरीके से एक ही करवट में सोते हैं, तो ये भी आपके कमर दर्द का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं एनेस्थीसिया जो दिया जाता है क्या उसकी वजह से कमर दर्द होता है। देखिए, एनेस्थीसिया की वजह से जो कमर दर्द होता है, डेफिनेटली एनेस्थीसिया की वजह से भी कमर दर्द कई बार होता है, लेकिन ये जो आपका कमर दर्द होता है ये कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। इसमें मैक्सिमम आपको कुछ हफ्ते लगते हैं, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते डिलीवरी के बाद ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका ये दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जहाँ पे आपको एनेस्थीसिया दिया गया था वहाँ पे अगर ये दर्द कंटिन्यू बना हुआ है और धीरे धीरे ये जो दर्द है ये आपके पैरों की तरफ जा रहा है, यानी कि आपके पैरों में आपको सुन्नपन की शिकायत महसूस हो रही है, या पैरों में आपको ऐसा लगता है जैसे चींटी सी चल रही है, कुछ रेंग रहा है आपके पैरों में अंदर अंदर, इस तरह की अगर समस्या है, ये दर्द आपको कमर से होते हुए आपके पैर में अगर आप महसूस कर रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर को आप जरूर दिखा लीजिए। कई बार क्या होता है कि एनेस्थीसिया की वजह से हमारी जो कमर की नसें जो सुन्न की जाती हैं कुछ टाइम के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक सुन्न रह जाती हैं, यानी कि वो अपने आप अपने पहले वाली कंडीशन में नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से ये दर्द हमें बना रहता है और धीरे धीरे ये दर्द हमें पैरों तक महसूस होना शुरू हो जाता है। इस तरीके की अगर दिक्कत है तो हो सकता है कि ये दर्द आपको एनेस्थीसिया की वजह से हो, इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो देखिए, जैसे जैसे हमारे कारण हैं उसका सॉल्यूशन भी इन्हीं कारणों में छुपा हुआ है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अपनी डाइट थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और अपने जो आपके डेली एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, और आपकी डिलीवरी को अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 6 महीने 7 महीने अगर हो गए हैं और आप पूरी तरीके से फिट हैं, तो थोड़ी बहुत हल्की एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिए, जो आपके वजन को भी घटाएंगी और आपकी कमर दर्द को ठीक करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी।
कमर दर्द से बचने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको कमर दर्द में रिलीफ देंगी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के उन लाइट एक्सरसाइज को करेंगे तो उससे भी आपको कमर दर्द में काफी ज्यादा आराम मिलेगा। दूसरा, जो हमारे मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से दर्द होता है वो कुछ हफ्तों में अपने आप चला जाता है। अगर नहीं जा रहा है, दर्द ज्यादा महसूस कर रहे हैं, तो आप सिकाई कर सकते हैं। सिकाई एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो हमारी मसल्स को पूरी तरीके से रिलैक्स करती है, जिससे हमें कमर दर्द में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। अब बात करते हैं पॉस्चर की। तो देखिए, पॉस्चर आपको सही रखना है। कोशिश कीजिए जब भी बैठे सीधे बैठे, बच्चे को जब भी फीड करा रहे हैं तो बच्चे को ऊपर उठाइए, ना कि आप आगे झुकिए। बच्चे को इस तरह से अपने हाथों का सहारा देके ऊपर रखिए, चाहे तो अपने गोद में ऐसे बच्चे को पिल्लो लगा के, पिल्लो पे बच्चे को सेट करके फिर आप फीड कराइए। उससे आपकी कमर आगे की तरफ नहीं झुकेगी और आपका पॉस्चर भी सही रहेगा। बच्चे को गोद में आप कम से कम लीजिए अगर आपको कमर दर्द का दिक्कत है तो, और चलते हुए भी पॉस्चर का ध्यान रखना है। कमर को मैक्सिमम आपको सीधा करके चलना है, ऐसे आगे की तरफ पेट निकाल के कमर पे वजन देके आपको नहीं चलना है। इन सब चीजों के साथ साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए। अपनी डाइट में आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें लीजिए जो प्रोटीन में रिच हो और कैल्शियम में रिच हो। जैसे कि आप दूध ले सकते हैं, या दूध से बने हुए जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उनमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी डिलीवरी के बाद में जो बॉडी होती है उसको रिकवर करने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका और कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।